मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, जीतू पटवारी ने शिवराज को चापलूस बताया है। इधर रामपाल सिंह, जो कि पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीतू पटवारी से कहा है कि वे गांधी परिवार का चरणामत भी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लिए एक बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवराज सिंह द्वारा यह कहा गया था कि वे मोदी और शाह को नेता मानते थे, श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी पूजा करते हैं। इस बयान पर कांग्रेस सरकार में जीतू पटवारी ने उन्हें चापलूस बता दिया। इस पर रामपाल सिंह द्वारा यह कहा गया कि जीतू पटवारी अपनी नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार का चरणामत लेते हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ का चरणामत पान भी करें और मंत्री पद की अपनी गरिमा का ध्यान रखें। रामपाल ने यह भी कहा कि हिम्मत है तो तर्क साथ बात करें, इस बारे में और कुछ कहना ठीक नहीं है। इसके पहले पटवारी ने कहा था कि जब तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे तब तक अच्छे इंसान थे, अब राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल वे चापलूसी कर रहे हैं। न मैं उनके कद का हूँ, न हैसियत का, न उनके बराबर तजुर्बा है। उम्र भी उनसे कम है, लेकिन उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो बोलते समय चीज़ों का ध्यान रखें। इधर पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी पटवारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वे समय हाशिए पर हैं, इसलिए अपने नंबर अमित शाह की नज़रों में बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस के लोग इतने निचले स्तर पर क्यों जा रहे हैं। उनके मन की बेचैनी साबित करती है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने जब शिवराज को चापलूस कहा तो भारतीय जनता पार्टी में खासी हलचल मच गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।